नमस्कार, सिंह आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। मैं अरुण कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी अगियांव भोजपुर बिहार के किरकिरी पंचायत में हूँ। मेरे सामने मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, तो मैं सबसे पहले इनसे परिचय लूँगा। मैडम जी, आप अपना परिचय बताइए। सब लोग के प्रणाम करतनी। फूल कुमारी नाम बा। हम मुखिया पद से किरकिरी पंचायत से चुनाव लड़तनी। मुखिया पद के उम्मीदवार फूल कुमारी के पति हैं। सबसे पहले मैं इनसे भी परिचय लेता हूँ। सर, अपना परिचय बताइए। नमस्ते। आप चैनल वाले के कोटि कोटि में प्रणाम करना चाहता हूँ, जो आप हमें मौका दिए इस मंच पर। और मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, किरकिरी पंचायत का कमरिया गांव से रहवासी हूँ। और इस किरकिरी पंचायत का चुनावी जंग शुरू हो चुका है। इसमें हमारा पत्नी फूल कुमारी भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है। ये चुनाव लड़ने का ख्याल आपको कैसे आया? जी, सरकार का जो भी ग्रामीण विकास के लिए योजना आ रहा है, उसमें हम अनियमितता देख रहे हैं। योजना का दुरुपयोग कर रहा है लोग, और हमारे ग्रामीण जनता इस आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका विरोध किया जाए। इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है, अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमें पूर्ण विकास नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम सोचे कि इस बार चुनाव में जाएंगे और पूरे जनता जनार्दन को ये बात से अवगत कराएंगे कि आपके पंचायत का सर्वोच्च पद होता है मुखिया, और मुखिया का बहुत बड़ा दायित्व है विकास का। जो मुख्यमंत्री के बाद पंचायत लेवल पर मुखिया ही है जो अपने जनता को सर्वांगीण विकास कर सके। पूरे पंचायत में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुखिया एक सर्वोच्च पद है। मुखिया का कार्य उच्च कोटि का शिक्षा देना, उच्च कोटि का स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए खेल का मैदान होना, कृषि में किसानों को जो सरकार द्वारा योजना चला रहा है उसको पूर्ण किसान तक पहुंचाना, ये सब मुखिया जी का ही कार्य है। अगर मुखिया जी लोग कार्य किए होते तो देश बदल सकता है। जी, मुखिया पंचायत का, मैं फिर से कह रहा हूँ, सर्वोच्च पद है। और भारत मेरा गांवों का देश है। जब तक मेरा गांव नहीं बदलेगा तब तक ये देश नहीं बदलेगा। और मुखिया एक कर्मठ और निष्ठावान मिलता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है जो हमारा गांव और पूरे पंचायत को बदल सकता है। पंचायत बदलने के बाद, गांव बदलने के बाद, हम पूरा देश भी बदल सकते हैं। ऐसा कि पता चलता है कि जिला में अधिकतर मुखिया पुराने मुखिया बदल रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मेन कारण यही है, जो मुखिया जी लोग चुनावी माहौल में वादा करते हैं और उस वादा को धरातल पर नहीं उतार पाते हैं, इनका हार का मेन कारण यही है। और जनता सिर्फ और सिर्फ विकास खोजती है। जनता हमें पूर्ण विश्वास है इस बार भी विकास पर ही मतदान करेगी। जनता अब अपना 5 साल के लिए भविष्य तय करेगी। उन्हें विश्वास है कि हमारा भविष्य एक वोट तय कर सकता है। सीएम इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं या पंचायतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पंचायत में जितने भी मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि 15 नवंबर को आप घर से बाहर निकलिए और अपने बहुमूल्य वोट देकर एक कर्मठ प्रत्याशी का चयन करें जो आपका पंचायत का चौकीदारी करे
आपका पंचायत का सेवक का काम करे, ऐसे प्रत्याशी का सख्त जरूरत है। धन्यवाद। अभी मुखिया उम्मीदवार फूल कुमारी और उनके पति राकेश जी से सुना, इन्होंने पंचायतवासियों को अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर उचित उम्मीदवार चुनने की अपील की। धन्यवाद। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।